दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। सो दोस्तों असीं अज गल करांगे डेल कार्नेगी दी बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग बारे। दोस्तों जरा अपने दिमाग उपर जोर पा के सोचो कि ऐसी केड़ी चीज़ है जो इस समय तुहानू तंग कर रही है। वह भावें कोई भी चीज़ होवे लेकिन तुहाडी यह टेंशन तुहानू जीन नहीं दे रही, तुहानू तुहाडे अपने तो दूर कर रही है, तुहाडी सफलता अते खुशियां तुहाडे कोलों खो रही है। ते की तुसी अपनी सारी जिंदगी टेंशन विच बिताउणा चाहुंदे हो ते जां फिर खुल के अपनी जिंदगी जीना चाहुंदे हो। ते इस वीडियो विच असी तुहाडे नाल कुछ इफेक्टिव तरीके शेयर करांगे जो तुहानू हरेक प्रॉब्लम तो छुटकारा दवा देंगे। कि दोस्तों तुहाडी भी आदत है कि तुसी हमेशा अपनियां पुरानियां गल्लां दा पछतावा करदे रहिंदे हो ते जां फिर हमेशा अपने फ्यूचर दी चिंता विच डुब्बे रहिंदे हो। तो कदे कदे तो कुछ लोग इन्नी ज़्यादा टेंशन लेंदे हन कि वह अपने प्रेजेंट नूं ही जीना भुल जाते हैं। कि दोस्तों तुहानू वाकई ही लगता है कि तुसी अपनी जिंदगी खुले दिल नाल जी रहे हो? जरा खुद नूं यह सवाल करो तो अगो जवाब आ रहा है कि इस तरह नहीं है। लेकिन जे तुसी वाकई ही अपनी जिंदगी नूं खुले दिल नाल जीना चाहते हो तो हर दिन नूं इस तरह जियो जिवें कि वह तुहाडी जिंदगी का आखिरी दिन होवे। तो इत्थे मैं दोस्तों तुहानू एक छोटी जी स्टोरी सुनाउंदा हाँ। एक विलियम ओसियर नाम का मैडिकल स्टूडेंट सी जो कि अपने फ्यूचर बारे सोच रहा सी कि वह फाइनल एग्जाम पास कर भी पाएगा जां नहीं, तो जां वह स्कूल खत्म करन तों बाद अगे कित्थे जाएगा अते किस तरह वह अगे अपने करियर की शुरुआत करेगा। जिस समय विलियम ओसियर यह सब कुछ सोच ही रहे सन तो उस समय उन्हां दे हाथ विच एक किताब सी जिसनूं उह उस समय पढ़ रहे सन। ते उस किताब विच उन्हां नूं एक ही वर्ड अजिहे मिले जिसनूं पढ़ के उह इंस्पायर हो गए। ते आउण वाले समय विच इह मैडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन दा सब तो ज़्यादा कामयाब डॉक्टरां विचों एक बनिया अते ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी दा एक बहुत ही रिस्पैक्टड प्रोफेसर भी बनिया। ते उस समय जो एक ही वर्ड विलियम ओसियर ने पढ़े सन वह कुछ इस तरह सन कि दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसनू देखना साडा मेन काम नहीं है बल्कि जो क्लीयरली साडे हाथ विच है उसनू देखना साडा काम है। तो इसका क्लीयरली मतलब यह है कि सानू अपने पास्ट या फ्यूचर बारे सोचने की बजाय अपने प्रेजेंट बारे सोचना चाहिए है। तो खुद को अलाओ करो कि तुसी सिर्फ उस चीज़ बारे ही सोचो जो इस समय तुहाडे सामने मौजूद है। दोस्तों अपने दिमाग नूं पास्ट या फ्यूचर विच भड़कन ना दिओ। सर विलियम ओसियर दा इह मतलब नहीं है कि तुसी फ्यूचर बारे बिल्कुल ही ना तैयारी करो, लेकिन फ्यूचर नूं लै के फिकर करन दी बजाए अपनी सारी एनर्जी नूं अज दे काम विच लगाओ तां ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो भी काम करो पूरे दिल नाल करो ते तुहाडा फ्यूचर अपने आप ही वधिया हो जाएगा। तो दोस्तों एक स्टडी विच पता लग्या है कि साढ़े ज़्यादा टेंशन लैन नाल सानू कई तरह दी प्रॉब्लम्स हो सकदियां हन जिवें डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्टल अल्सर्स जो कि पेट की बीमारी है अते कई तरह का पैरालिसिस। यह बीमारियां का होर कोई रीज़न नहीं है, यह सिर्फ साढ़े ज़्यादा टेंशन लैन नाल हुंदियां हन। ते बहुत सारे फेमस डॉक्टरों का यह कहना है कि साढ़े कोल 70% अजिहे मरीज आउंदे हन जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लैन करके बीमार पै जांदे हन। तो जे वो टेंशन लेनी छड़ देन तो वह अपने घर विच ही ठीक हो सकते हैं। तो हुण जो सैकेंड स्टोरी मैं तुहानू दसांगा उस विच तुसी 3 स्टैप वाला मैजिक फार्मूला सीखोगे। इस फार्मूले नू सीखण तो बाद तुसी टेंशन अते डिप्रेशन विचों निकल के अपनी प्रॉब्लम्स का हल कर पावोगे। यह स्टोरी है विलिस एच कैरियर की जो कि एक इंजीनियर सन। उन्होंने एक बार एक गैस क्लीनिक मशीन इंस्टॉल करन दा प्रोजेक्ट मिलिया जिस विच कंपनी दे लखां डॉलर खर्च होए सन। गैस साफ करन दा तरीका बिल्कुल ही नवां सी। हालांकि कैरियर द्वारा लगाईयां गईयां मशीनां काम कर रहीयां सन पर उस तरह नहीं जिस तरह दी गरंटी कैरियर ने कंपनी नूं दित्ती सी। कैरियर अपने फेलियर तो बहुत ज़्यादा हैरान सन ते उन्हां नूं इस फेलियर दे कारण इन्नी ज़्यादा टेंशन हो गई सी कि उन्हां नूं सही तरह नींद भी नहीं सी आ रही। तो फिर बाद विच कैरियर ने शांत दिमाग नाल सोचा कि इस चीज़ बारे ज़्यादा टेंशन लैण नाल कुछ नहीं होना। तो फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम नू सोल्व करन लई
एक थ्री स्टैप फार्मूला कढ़िया जो कि यह थ्री स्टैप आइडिया तकरीबन सब दे काम आ सकता है। तो यह थ्री स्टैप फार्मूला ऑलमोस्ट हरेक तरह की प्रॉब्लम वरत्या जा सकता है। फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम, तुसी बिना डरे सिचुएशन नू एनालाइज करो कि इस प्रॉब्लम के कारण तुहाडे नाल बुरे तो बुरा की हो सकता है। तो फिर कैरियर ने सोचा कि इस प्रॉब्लम के कारण उन्होंने ना ही कोई सज़ा मिलने वाली है तो ना ही कोई उन्होंने जान नू खतरा है। जेकर कैरियर का ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ जाना सी तां ओ सी उसकी नौकरी जा संभावना सी कि कंपनी नू मशीनां हटाउणियां पैण जिस नाल कैरियर नू $20,000 का नुकसान हो सकता सी। ते स्टेप नंबर 2 आउंदा है एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कोल्ड हैपन, जाने कि बुरी तो बुरी सिचुएशन का अंदाजा लगाओ अते उसनू मेंटली एक्सेप्ट कर लो। अते फिर कैरियर ने खुद नू आख्या कि इस फेलियर का प्रभाव मेरे करियर उपर भी पवेगा जिस कारण मेरी नौकरी जाने के पूरे चांस हैं, हालांकि मैं किसी भी वक्त नवी नौकरी मिल सकती है। बाकी रही गल गैस क्लीनिंग मशीन की, तो यह गल सब जानते हैं कि यह एक नवी टैक्नोलॉजी सी जिसका असी एक्सपैरीमेंट कर रहे सी अते इस 20,000 रुपए नू असी रिसर्च खाते विच पा सकते हाँ। बाकी बुरी तो बुरी सिचुएशन का अंदाजा लगाने तो बाद अते उसनू मेंटली एक्सैप्ट करने तो बाद कैरियर ने बहुत दिनों बाद जाके सुख का सह लिया सी। ते हुण आता है स्टैप नंबर 3, ट्राई टू इंप्रूव द वर्स्ट, बुरी तो बुरी सिचुएशन एक्सैप्ट करने तो बाद अपनी पूरी एनर्जी उस सिचुएशन इंप्रूव करने विच लगाओ। हुण कैरियर ने इस तरह के तरीके लभने शुरू कर दिते सन जिस नाल उस 20,000 के होने वाले नुकसान नू बचाया जाए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपैरीमेंट किए जिस तो बाद वह इस रिजल्ट ते पहुँचे। जेकर वह $5,000 का एक डिवाइस गैस क्लीनिंग मशीन विच ला देन तां उन्हां दी प्रॉब्लम हल हो सकती है। उन्होंने बिल्कुल इस तरह ही किया अते कंपनी नू $20,000 का नुकसान होने की बजाय $15,000 का फायदा हो गया। तो दोस्तों ये सब कुछ होया कैरियर का टेंशन नू छड्ड के प्रॉब्लम का हल लभन के कारण। जेकर कैरियर सिर्फ फिक्र ही करते रहते तो यह सब कुछ कदे भी नहीं होना सी। तो दोस्तों जो असी ज़्यादा फिक्र करते हाँ तो उस समय साडा दिमाग इधर उधर भटकन लग जाता है अते उस समय असी फैसला लैण की क्षमता नू भी गवा बैठते हाँ। लेकिन जो असी बुरी तो बुरी सिचुएशन का सामना करन लई असी खुद नू मजबूत कर देंदे हाँ अते उस नू मेंटली एक्सैप्ट कर लेंदे हाँ तो असी उस समय उस स्थिति विच आ जाते हाँ कि असी अपनी प्रॉब्लम का हल पूरे ध्यान नाल लभ सकीए। तो दोस्तों हुण साडी वीडियो खत्म हुंदी है, तुहानू वीडियो किद्दां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्सिओ। हर रोज नॉलेज ते मोटिवेशनल दी चुटकी लैण लई तुसीं साडे पंजाबी स्पोर्ट दे पेज नू इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकदे हो।